आखिर कैसे मिला भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बात तब की है जब राक्षसों का आतंक बहुत ही बढ़ता जा रहा था। उस समय सभी देव भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। राक्षसों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु को एक अस्त्र की जरूरत थी, इसलिए वो भगवान शिव के पूजन के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पे स्नान करने के बाद उन्होंने भगवान शिव के हजारों नाम के साथ उनका पूजा करने का संकल्प लिया। प्रत्येक नाम के साथ एक नील कमल का फूल अर्पित करने का भी संकल्प लिया। तभी भगवान शिव उनकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए हजार फूलों में से एक फूल को अपने पास छुपा लिया। और जब भगवान विष्णु को एक फूल नहीं मिला, तब उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें तो नील कमल के समान है। ऐसा सोच के जैसे ही भगवान विष्णु अपनी एक आंख को भगवान शिव को चढ़ाने लगे, तब भगवान शिव वहां पे आए और वरदान में एक चक्र दिया, जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।